बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे कमेंट आपने मेरे चैनल पर मेरी वीडियो में किया है पासपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारी क्वेरी है जो आपने किया है, तो मैं कुछ क्वेरी मतलब आपके कुछ कमेंट्स का जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स है उसका रिप्लाई दूंगा। और एक्चुअली मेरे पास अदर फोन नहीं है तो मैंने अपने एक नोटबुक में लिख के रखा है सारे कमेंट्स आपके जो भी आपने किए हैं मुझे, और किसने किया है सबका नाम भी लिखा हूं। और मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा जो भी कमेंट आपने जो भी क्वेश्चन मुझसे किया है। और कुछ कमेंट है जिनके ऊपर मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहला जो कमेंट आता ये है अमित शर्मा, तो ये लिखते हैं भाई पुलिस घर पर नहीं आई थी आपके भाई, तेरे कितने लिए थे। तो भाई ये मुझसे कमेंट करते हैं दो लोग की है, एक भाई की अमित शर्मा, भाई पुलिस आपके घर पर आई थी कि नहीं। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मेरा पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन था तो मैं करवा के आया, उसके 7 दिन के बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन था, 6-7 दिन के बाद। तो सीन ये हुआ कि जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कल है तो मुझे 1 दिन पहले फोन आया था और उन्होंने फोन करके बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग बोलते हैं वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो सेम यही था मेरे साथ भी, तो मैं गया और मुझे जाना पड़ा और मैं जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराया, लेकिन मेरे घर पर पुलिस नहीं आई थी। भाई पुलिस आती तो मैं आपको जरूर बताता। और ये पुलिस आपके घर तब आती है जब उन्हें आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, केस होता है आपके ऊपर, तब आपके घर पुलिस आ सकती है। लेकिन पुलिस आपके घर वैसे नहीं आती, आपको कॉल करके बता देते हैं कि आपका इस दिन का अपॉइंटमेंट है, आप यहां पर आ जाओ, पुलिस वेरिफिकेशन अपना करा लो। और सेकंड कमेंट है ये डेली लाइफ करके एक चैनल है, डेली लाइफ, उन्होंने किया है भाई तेरे कितने लिए थे, कि पुलिस वेरिफिकेशन का पुलिस ने मुझसे कितना चार्ज लिया था। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि कई सारे शहरों में करप्शन चल रहा है तो पुलिस वाले पैसे का डिमांड करते हैं, लेकिन हर जगह की पुलिस वाले नहीं डिमांड करते। और ऑफिशियली अगर बात करें तो पासपोर्ट के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार, इसमें 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद कमेंट आता है मुझे दी नैने से, और ये बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन नॉट डन इन 3 वीक्स। इसका मतलब क्या है कि इनको एक टेक्स्ट मैसेज गया फोन पे कि पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका 3 हफ्ते में नहीं हुआ तो क्या करें। तो भाई अगर ऐसा मैसेज आपका आता है तो अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है किसी कारणवश, वो लोग कॉल नहीं करते या फिर आप वहां पर नहीं जा पाते हो, नहीं करवा पाते हो, तो आपको डायरेक्ट एसपी ऑफिस में जाकर आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हो 3 हफ्ते के बाद, मीन्स 3 हफ्ते के अंदर अंदर वैसे आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस में जाकर एसपी से मिलकर आप करा सकते हो। उसके बाद मुझे कमेंट आता है अरमान मलिक का, ये लिखते हैं सर आपका पासपोर्ट तत्काल में था या नॉर्मल। तो भाई मेरा पासपोर्ट जो था वो नॉर्मल था और मैंने पासपोर्ट भरा था, और पासपोर्ट भरने से 7 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन था। फिर उसके समझ लो कि यार उसके 3 या 4 दिन के बाद मुझे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, उसके 4 या 5 दिन के बाद पासपोर्ट भी घर पे आ गया। टोटल 15 से 20 दिन का डेट लगा पासपोर्ट फिलअप करने से लेके पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन एंड घर आने तक का 15 से 20 दिन का टाइम लगा। उसके बाद मुझे एक फिर मैसेज कमेंट करती है सान्या, लिविंग सर्टिफिकेट कौन सी क्लास का चाहिए। तो देखो लिविंग सर्टिफिकेट मीन्स LC को ही बोलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके पास हाई स्कूल की भी मार्कशीट है, अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो भी चलेगा। अदरवाइज आप किसी भी क्लास की किसी भी स्टैंडर्ड का मार्कशीट दिखा सकते हो 10वीं से ऊपर हायर लेवल का। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है और अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आप समझ लो आपका, जैसे कि पासपोर्ट 2 कैटेगरी का बनता है, एक ECR एंड एक ECNR कैटेगरी का। इसका मतलब होता है पासपोर्ट चेक रिकॉर्ड एंड पासपोर्ट मींस इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड एंड इमिग्रेशन चेक नॉट रिकॉर्ड। भाई अगर पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है, अगर LC है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद आता है दीपक का कमेंट, दीपक भाई कमेंट करते हैं भाई आपका पासपोर्ट कितने दिन में आ गया था। तो भाई मैंने अभी पिछले कमेंट्स किया था अरमान भाई ने, तो मैंने उसमें बता दिया था दीपक भाई कि मेरा पासपोर्ट जो है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मेरे घर पर आ गया था। एंड उसके बाद एक आता है पुलिस वेरिफिकेशन का पैसा लगता है, तो नहीं भाई पुलिस वेरिफिकेशन का कोई चार्ज नहीं होता है और आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर कॉल करके कंप्लेंट भी कर सकते हैं या फिर SP ऑफिस में जाकर बात कर सकते हो डायरेक्ट आप। एंड उसके बाद आता है मृत्युंजय कमेंट करते हैं बैंक अकाउंट डिटेल जरूरी है। तो भाई मुझे जहां तक लगता है
बैंक की इन्फॉर्मेशन कई कई जगह कई कई स्टेट में लोग मांग देते हैं कि आपका लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ का हमें डिटेल चाहिए और आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ऐसा मांग लेते हैं लोग। लेकिन मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने बैंक का डिटेल नहीं दिया था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा और उन लोगों ने बोला भी नहीं कि आप दिखाओ मुझे, तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लेके जाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस रख लो साथ में यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर और इस टाइम पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अकाउंट ना हो। और भी हमारे पास कई सारे केसेस हैं, मतलब कि कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई, एक लोगों ने कमेंट किया कि मैं नेपाल से हूँ और मतलब उनके फादर नेपाल से, उनका सारा डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश से, तो क्या उनका पासपोर्ट बनेगा? भाई इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। और भी बहुत सारे कमेंट आपके आते रहते हैं, तो मैं सोचा हूँ कि जो भी कमेंट ऐसे हैं जिसका रिप्लाई देना बहुत ही जरूरी और बहुत ही लोगों की काम की चीज है, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, और इस चैनल पर अब वीक में 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो तो जरूर आएगा। और आपको पता होगा कि मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इस चैनल पर थोड़ा काम नहीं कर पा रहा था, और अब इस चैनल पर भी काम करना शुरू कर दिया हूँ, तो यहाँ पर भी वीडियो अब आती रहेगी। और हाँ, मेरे चैनल का नाम है नोमेड अभिषेक, जो ट्रैवलिंग का है। तो चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।